फरमाया कि जिस बंदे ने शवालुल मुकर्रम दे छे रोजे रखे वो इस तरह है जिस तरह उन्होंने पूरा साल रोजे रखे, इस तरह जिस तरह उन्होंने पूरा साल ही रोजे रखे। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला उन छह अंबिया की क्या सवाब अता फरमाएगा। दूसरी हदीस अंदर फरमाया कि अल्लाह ताला उन छह अंबिया की क्या सवाब अता फरमाएगा। केड़े हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब, यूसुफ, हजरत मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छह रोजे अच्छा दूसरा ये कि क्या इकट्ठे रखे जाए? नहीं नहीं, पूरा महीने के अंदर कभी वक्फे वक्फे ना रखो, कोई अर्ज नहीं, फर्ज वाजिब नहीं, नहीं फर्ज नहीं ना वाजिब वाजिब, लेकिन मैं कहता हूं ये फजाइल वजाइल अल्लाह ने दिए कि अगर रखो तो सवाब 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 सवाब। मैं तुम्हें हदीस सुनाइए कि सवाब बहुत ज्यादा है, पूरा महीना जितो तुम आसानी समझदे हो, छुट्टी का दिन उधर अपना उधर मसरूफियत नहीं समझदे हो, आज मसरूफियत नहीं, रोजा रखो, इन छह रोजे की बहुत ज्यादा फजीलत। दूसरा दूसरा मसला है कि नमाज खड़ी होने लगती है इकामत के दौरान, अक्सर पहले खड़े हो जाते हैं, अक्सर लोग हय्या सलात खड़े हैं, अक्सर लोग कामत सलात खड़े अक्सर लोग इमाम दा हुजरा महराब दे नाल ही हुंदा है। फुकाए किराम लिखते हैं कि अगर इमाम हुजरे विचों आवे, इमाम हुजरे विचों आवे तो फिर जो ही इमाम आ जाए तो फिर सारे खड़े हो जाए, इमाम आ जाए तो फिर सारे क्योंकि वो इमाम है तुम्हारा, वो आ जाए तो तुम सारे खड़े हो जाओ। अगर इमाम पीछे आ गए, इमाम पीछे आ रहा है तो फिर जेड़ी जेड़ी सब तो इमाम गुजरना जाए वो सब खड़ी हो, इमाम जेड़ी जेड़ी सब तो इमाम गुजरना जाए वो सब खड़ी होती जाए तो फिर जो इमाम एंड पे एंड एंड वाली सब भी खड़ी हो जाए, तरतीब फुकाए किराम ने लिखी है। तीसरा फरमाया कि अगर इमाम पहले ही मौजूद हो, मुसल्ले पे मौजूद हो, इमाम पहले ही मौजूद हो तो फिर की किया जाए, किया जाए मुस्तहब अमल की है, मुस्तहब अमल है वे के हैया और इस कौन इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने यानी अहनाफ के नजदीक हैया सलाह हैया फलाउ ते खड़ा होना है, ते अगर मतलब तर्जुमा में गौर करें तो इसका मतलब यही बनता है कि हैया सलाह और नमाज की तरफ हैया फलाउ की तरफ, तर्जुमे दे विच बंदा गौर करे तो इन लफ्ज़ों ते खड़ा होना पड़ा बाद मस्जिद में माहौल इस तरह का होता है कि लोग पहले खड़े हो जाते हैं या आखिर च खड़े होते हैं, फिर अगर ऐसी जगह पे जाओ कि जिसमें माहौल नहीं उठे वो माहौल को अपना लो ताकि नई गल कोई फितना ना पैदा हो, मस्जिद अमन बहार रहे, बाद बंदे आवी बे शुरू कर देंगे वो मसले दे को देने मसले को ने टसले वो बाद मसले नु टसला बना के सीधी बहस शुरू कर देंगे, अगर बंदा पहले अगर ऐसा माहौल सारे पहले खड़े हो गए ये भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इंज का माहौल तरतीब जी मैं तुम्हें दसी है इस तरतीब के इकामत वाले खड़ा